नमस्कार मित्रों, वीडियो में आपनु स्वागत छे। छेल्ला दोढ़ेक वर्ष थी सिनेमा ने लगता मारा वीडियो में मोटे भागे एकाद कमेंट तो आवे छे, जेमा गुजराती फिल्मों ना आ विसरायेला अभिनेत्री विषे माहिती नी मांगणी होय छे। अही विसरायेला शब्द एटला माटे वापर्यो कारण के गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एने भूली गई छे, दर्शकों नथी भूल्या। ए समयना गुजराती फिल्मों ना चाहकों ने आ सुंदर अभिनेत्री नी एक एक अदा अने उम्दा अभिनय नी यादगार क्षणों हजू पण याद छे। जी हाँ मित्रों, आ अभिनेत्री नु नाम छे अनुपमा। मित्रों, जारे 70 ना दायकानी आ सुंदर अभिनेत्रीए केटलीक नोंधपात्र फिल्मों में अभिनयना ओजस पाथर्या हता, गुजराती फिल्मों भावी पलटी नाखनार फिल्म जैसल तोरण में जेमणे तोळी राणी नु महत्वनु पात्र भजव्यु हतु एने केम भूली शकाय। कड़ाको थयो नहीं जाडेजा, ए कड़ाको नथी, ब्रह्मांडना घम्मटमा गाजतो अलगनो अवाज छे। रड़ दे बेटा। रड़ू नहीं तो शू करू पिताजी, सामग्री तो के साथे लाव्या नी, नागरी नाथमा ने श्रीमान सासरियामा लाज केम रहेशे। एक तारो वगाड तो हाथ जी तलवार ना झाटका भूल्यो नथी तोड़ा दे। बोलवा पड़शे, ई पेतराना पेट माथी पाप नु झेर काढ़ी नाखे एनुज नाम एक तारो। प्रभु, आ परिणेतर नी अरज सांभळजे। મારા પતિનો સંસાર સદાય દુઃખી રાખશે। બાપુ, ત્યાં તમારા હાથ નથી પહોંચ્યો, ત્યાં કદાચ મારું ભાઈઓ મને ખેંચી જાય, મારા પગ મને પહોંચાડી દે। પણ તમે કોણ, આમ ક્યાં જવા નીકળ્યા છો? પતિએ મૂકી દીધેલ પત્ની ક્યાં જાય? આ ઉપરાંત ઝેર તો પીધા જાણી જાણી હોથલ પદમણી અને કુંવરબાઈનું મામેરું, આવી ફિલ્મોમાં તેમણે उत्कृष्ट अभिनय आपीने गुजराती सिने जगत में अविस्मरणीय छाप छोड़ी हती। परंतु मित्रों, 70 पछी ज्यारे गुजराती फिल्मोंनो सुवर्ण युग शुरू थयो त्यारे ज आ अभिनेत्री अचानक गायब थया हता। अने नवाईनी वात तो ये छे के ढोलीवुडमां आटलू महत्वनु योगदान आपनारा आ अभिनेत्री विशे इंटरनेट उपर कोई माहिती पण उपलब्ध नथी। गुजराती सिने जगतना वरिष्ठ अभिनेताओ, पत्रकारों अने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने पूछता पण कोई माहिती प्राप्त थती नहोती। एनुं एक कारण ए पण छे के एमनी साथे काम करनारा सहकलाकारों अने फिल्म मेकरोमांथी मोटा भागना हवे हयात नथी। परंतु आखरे मने अनुपमाजी विशे माहिती मळी, जो के माहितीनो स्त्रोत पण इंटरनेट ज छे। पण ज्यारे आ माहिती सामे आवी त्यारे केटलीक चौंकावनारी विगतो मळी। पहलो चौंकावनारो खुलासो ये कि अनुपमानु साचू नाम अनुपमा छे ज नहीं। बीजू, ये गुजरातना नहीं पण मोटा भागनी गुजराती एक्ट्रेसनी जेम महाराष्ट्रना छे। अने त्रीजू, हाल ते 73 वर्षनी वये पण अभिनय कला साथे जोड़ायेला छे पण भारतमां नथी वसता। अने चौथी माहिती प्रमाणे अनुपमा भले गुजरातना नथी पण एनुं सासरुं गुजरातमां छे। अने पांचमुं, एमणे केटलीय हिंदी फिल्मों में पण हिरोइन तरीके काम करेलू छे। 23 एप्रिल 1950 में मुंबई में जन्मेला अनुपमा एक मध्यम वर्गीय परिवार ना दीकरी छे, जेना पिता जयंत कुलकर्णी रेलवे में नौकरी करता अने माता अलका कुलकर्णी LIC में जॉब करता। अनुपमा जीनू बचपननू अने साचू नाम रेखा कुलकर्णी छे, जेनू प्राथमिक शिक्षण माटुंगानी सरस्वती विद्या मंदिर अने उच्चतर शिक्षा रूपारेल कॉलेज में थई हती। बचपनथी ज अभिनयनो शौक धरावनारा रेखा कुलकर्णी ने मराठी नाटकोना प्रसिद्ध नाट्यकार राइटर मधुसूदन काकलेकरना नाटक आशावरीथी मात्र 17 वर्षनी उमरे ज थिएटर में प्रवेश मळी गयो हतो। आशावरी नाटक में एना पात्रनुं नाम अनुपमा हतुं, जे नाम एनी साथे कायम माटे जोड़ाई गयुं। 1968 માં તેમણે સૌપ્રથમ મરાઠી ફિલ્મ ધર્મકન્યામાં એક રોલ નિભાવ્યો,
त्यार पछी अनुपमाजीए केटली मराठी फिल्मों करी अने हिंदी फिल्मों में पण अभिनय कर्यो छे। संसार, दुनिया क्या जाने, सास भी कभी बहू थी, दो बच्चे दस हाथ, टैक्सी ड्राइवर अने पाप और पुण्यों में पण तेने नोंधपात्र भूमिका करी हती। आ तेनी नोंधपात्र हिंदी फिल्मों छे। गुजराती फिल्म धरतीना छोरू जे हवे क्यांय जोवा पण नथी मळती ए फिल्म माटे तेने गुजरात सरकार तरफ श्रेष्ठ सह अभिनेत्रीनो एवॉर्ड पण प्राप्त थयो हतो। जेसल तोरल तो एमनी यादगार अने अविस्मरणीय फिल्म छे ज। आ उपरांत होथल पदमणी, झेर तो पिता जाने जाने, कुंवरबाईनू मामेरू जेवी फिल्मोमां तेमनो श्रेष्ठ अभिनय गुजरातीओ क्यारे नहीं भूली शके। गुजराती फिल्मों में काम करता ए दरमियान ज तेमनी मुलाकात वडोदराना डॉक्टर दिलीप धारकर साथे थयेली अने आ मुलाकात प्रेम में परिणमी अने बाद में लग्न में। डॉक्टर दिलीप साथे लग्न थया पछी अनुपमा पति साथे शिकागो में स्थायी थया अने कायम माटे त्यां ज वसी गया। त्यार पछी तेओए फिल्मों ने टाटा बाय बाय करी दीधुं हतुं पण नाटकों द्वारा कला अने अभिनय क्षेत्र थी हजू जोड़ायेला छे। थोड़ा समय पहला तेओए एक नाटक टीलाकाली सैन्यम ना ट्रायल में अचानक हाजरी आपी त्यारे प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान साथे एनो फोटो वायरल थयो अने लोकोने लांबा समय बाद अनुपमाजी विषे माहिती प्राप्त थई हती। 73 वर्षनी उमरे आज पण अनुपमाजी नाटकों में कार्यरत छे। शिकागो में पण तेमणे एक मौली नामनुं नाटक बनाव्युं अने एनुं दिग्दर्शन पण कर्युं छे। आटला वर्षो पछी पण लोको ज्यारे पाप तारू प्रकाश जाडेजा अने लीली लीली ओढ़णी ओढ़ू जेवा गीतो गणगणे छे त्यारे अनुपमाजीनो सुंदर चेहरो याद आव्या वगर रहेतो नथी। यादगार गुजराती फिल्मों आपीने हमेशा गुजरात अने गुजरातीओनी स्मृतिओ साथे जोड़ाई गयेला अनुपमाजीने ईश्वर लांबू आयुष्य अने निरामय स्वास्थ्य आपे एवी ईश्वरने प्रार्थना साथोसाथ। दर्शक मित्रों, तमे आ वीडियो छेल्ले सुधी सारी रीते अने ध्यानथी जोयो એટલે તમારા સૌ માટે આ સરપ્રાઈઝ और गुजराती फिल्में भी मिली थी। यहाँ मैं एक आपके सामने एक आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ कि एक इंसिडेंट जो मुझे लाइफ लॉन्ग मुझे अभी तक याद है, मीन्स मेरे दिल तक छूता है, वैसे एक नहीं दो। जब मैं गुजराती फिल्म जैसल तोरल में काम किया था, वो जैसल तोरल इज अ ट्रू स्टोरी, क्योंकि जैसल तोरल की समाधि अब भी कच्छ में है और जैसल तोरल के कहते हैं, ऐसे कहावत है, कहते हैं कि जिस दिन एक समाधि वापस पास आने लगेगी तब भूचाल आएगा। वैसे ही हुआ था कि कुछ साल पहले गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, ऐसा उनका मान्यता है और उनकी मानत वो मानते हैं। जब मैंने इस मूवी में काम किया था, मेरा कच्छ में प्रीमियर था, मैं कच्छ में गई थी। मुझे लोगों ने बताया कि आप वही लिबास पहन के आइए जो आपने जैसल तोरल में पहना था। इसलिए मैंने सफेद साड़ी, मेरे बाल उस वक्त बहुत लंबे थे, वो छोड़ के मैं जैसे ही उस रोल में थी वैसे ही आ गई। जैसे ही मैं प्लेन से उतरी, आप यकीन नहीं करोगे, लोग इतने खड़े थे। और जैसल तोरल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल साध्वी थी, यू नो, तो उसके पास मेरे पैर छूते थे लोग वहां के। इतना ही नहीं तो वहां पे एक छोड़ एक बहुत ही बूढ़ी माँ आई, अपने उसके गोद में उसका पोता था, मुझे बोलने लगी तेरे पैर पे रखती हूँ, मेरे पोते को आशीर्वाद दे कि मेरा पोता ठीक हो जाए, बहुत बीमार है। मुझे इतना रोना आ गया था कि मैं सब कुछ भूल गई कि मैं इसको क्या बोलूं, ये श्रद्धा है या क्या है, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई थी उस वक्त कि मैंने भगवान को उसी वक्त मैंने तोरल जो रोल था मैंने उसका वही प्रार्थना की कि अगर इसमें तुम्हें जितनी शक्ति है आज इस बच्चे को ठीक करके दिखा। बस मैं यही चाहती हूँ।